चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में पुलिसकर्मी द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक के साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में अस्पताल के सभी डॉक्टरों व स्टाफ द्वारा एएसपी चंबा वीरेंद्र सिंह ठाकुर के समक्ष अपनी इस समस्या संबंधी शिकायत को रखा गया और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को चौकस करने की मांग की गई। दरअसल घटना के अनुसार पिछले कई दिनों से चंबा अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ आदित्य कश्यप को यह पुलिसकर्मी एक लड़के के नेत्र रिपोर्ट को पॉजिटिव देने की मांग कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया तो गुस्साया पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर आया। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी चंबा वीरेंद्र तोमर अपनी टीम सहित अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच की। एएसपी ने बताया कि घटना में शामिल पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। वही स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीवानंद चौहान ने डॉक्टरों के साथ इस प्रकार की घटनाओं का होना चिंता का विषय बताया है। ऐसा है कि जो कल अस्पताल में जो घटना घटी वो बड़ी दुखदायी है। हमें इस बात का बहुत ही खेद है कि जो हमारे समाज में सरकार ने हमारे रक्षक नियुक्त किए हैं वही अगर भक्षक बन जाए तो हमको नौकरी तो क्या, जीना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ड्यूटी रूम में जाके अंदर पहले उसने दरवाजे को लात मारी, उसकी भी आप नीचे फोटो खींच के देखो, उसका दरवाजा तोड़ दिया उसने, जिस ढंग से उसने दरवाजा तोड़ा है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया एक सरकारी एम्प्लॉई होते हुए, तो ये बड़ा ही दुखदायी है हमारे लिए। तो और उसके बाद जिस तरह से इनको मारा और इनको ये किया, अगर इनकी किस्मत अच्छी इसलिए रही कि उसी टाइम हमारे वहाँ एमरजेंसी ड्यूटी पे गायनी वार्ड में एक गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ड्यूटी पे थे चड्डा जी, और वो बाय चांस आवाज सुन के वहाँ आए तो उन्होंने इनको छुड़ाया उस बंदे के ग्रिप से।